जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। एनसीसी स्पेशल एंट्री की आज हम बात करेंगे, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी बच्चा एनसीसी का कैडेट रहा है, उसका सपना होता है कि जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन पूरा होगा, जैसे मेरी एनसीसी कंप्लीट होगी, देन हम जाएंगे नॉन टेक्निकल कोर्स की तरफ, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री की तरफ। तो हम बात करते हैं आज उसी एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए। आज हम बात करेंगे उन सारे डिफेंस एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने अब तक एनसीसी कर रखी है या कर रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन 1 to Z हम आपको जो है A to Z प्रॉपर हम आपको प्रॉपर यहाँ पर मुहैया कराएंगे, प्रोवाइड करेंगे। एनसीसी एंट्री आ चुकी है, एनसीसी स्पेशल एंट्री 55 कोर्स के लिए, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन है, नॉन टेक्निकल, मेन एंड वुमेन बोथ आर वेलकम फॉर दिस एंट्री। जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, नोटिफिकेशन इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। इस चीज का ध्यान रखना है कि भैया शादी नहीं करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल है, उनके बच्चे भी इसमें क्या है, इनवाइटेड है फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पहली बात है, बेसिक चीज, वो आप भारतीय हो, इंडियन हो। इसके अलावा, इंडियंस के अलावा भी और कई सारे जगह के लोग हैं जो यहाँ पर मेंशन है, उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए, अगर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट सेकंड वन है एज लिमिट। एज क्या होनी चाहिए भाई, किस उम्र के लोग, किस उम्र के बच्चे जो एनसीसी कैडेट है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 19 to 25 years, 19 साल से 25 साल तक के जो बीच के बच्चे बेटा, दे कैन फिल द फॉर्म। और क्या लिखा हुआ, 19 to 20, एज लिमिट 1 January 2024 को उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, 19 से 25 साल होनी चाहिए। जो एज ब्रैकेट दिया है वो एकदम क्लियर करके मेंशन कर दिया बेटा, कि 2 ऑफ जैन 1999 से लेके 1 ऑफ जैन 2005 के बीच में अगर कोई बच्चा उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वही इस फॉर्म के लिए एज वाइज जो है क्या है, वो एलिजिबल होगा। क्योंकि एज ही नहीं, और भी कई सारी चीजें मायने रखती हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कहता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहता है कि फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि भैया एनसीसी सी सर्टिफिकेट तो होना मैंडेटरी है। डिग्री मिनिमम 50% मार्क्स रहते हैं, यानी कि आप ग्रेजुएशन क्या हो, 50% मार्क्स रहते अगर आपने किया है, और आपके साथ एनसीसी में, ठीक है, क्या है, सी सर्टिफिकेट मिनिमम बी ग्रेड के साथ। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है, ग्रेडिंग शुड हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी। एप्लीकेंट हु आर नॉट होल्डिंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कोर्सेस। तो भैया अगर ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स आ गए हैं और आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके हाथ पे आ चुका है, और उसमें भी ए बी सी तीन ग्रेड होते हैं, तो मिनिमम बी ग्रेड और ए ग्रेड वाले बच्चे इस फॉर्म की तरफ जा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं, एनसीसी स्पेशल एंट्री का बच्चा। आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट डिग्री कोर्सेस, ठीक है ना, वही है जो मैंने आपको बताया, कैंडिडेट हुआ पास द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोड्यूस द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बाय द 1 अप्रैल 2024। भैया एसएसबी में जाने से पहले अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना बहुत मैंडेटरी है, डिग्री सर्टिफिकेट दोनों चीजें, फॉर द कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर, ठीक है। डिग्री कोर्सेज द कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इफ नॉट ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मस्ट सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग द ग्रेजुएशन डिग्री एग्जाम अलॉन्ग विद द विद मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स बाय 1 अप्रैल 2024 टू द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। दोज हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट बाय द स्पेसिफाइड डेट विल बी इंडक्टेड एट एडिशनल बॉन्ड बेसिस ओनली ऑन सबमिशन ऑफ द प्रूफ ऑफ पासिंग ग्रेजुएशन डिग्री एग्जाम अलॉन्ग विद द मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग बाय द अबव द स्पेसिफाइड डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे अगर हम बात करेंगे, जो इसमें आपको मुझे बताना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी की अगर हम बात करें बेटा, कितनी वैकेंसी आई है इस बार एनसीसी 55 कोर्स में, तो बेटा एनसीसी में मेंस के लिए इस बार 40, टोटल 50 है, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5 फॉर वार्ड्स, यानी 50 सीटें हैं, 45 सीटें फॉर द जनरल कैंडिडेट सभी बच्चों के लिए होंगी, 5 सीटें जो है वो रिजर्व करी गई है उनके लिए जो कौन है, बैटल ऑफ कैजुअलिटी इंडियन आर्मी पर्सनल ओनली, तो 5 सीटें उनके लिए रिजर्व करी गई है। फीमेल में बेटा सेम चीजें, 5 सीटें हैं, 4 सीटें जनरल है सभी के लिए है बेटा, और एक सीटें वहां पर बैटल ऑफ वार्ड्स के लिए जो है क्या है वो रिजर्व करी गई है। टर्म्स एंड कंडीशन, टेन्योर रेगुलर आर्मी 14 years लिखा हुआ है। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है बेटा वो 10 years का होता है, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है 4 years और,
तो 10 to 14 ईयर्स का जॉब टेन्योर है अगर आप सेलेक्ट होते हैं और भारतीय सेना का हिस्सा बनते हैं, तो लगभग मैक्सिमम 14 ईयर्स तक तो आप हर हाल में भारतीय सेना को सर्व कर सकते हैं, और ये भी अपने आप में बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रिजर्व ट्रेनिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, लिफ्टिनेंट, ये सारी चीजें आपको पता है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन 5th of July 2023 एट 1500 hours एंड क्लोज ऑन 3rd of August एट 1500 hours। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, कह रहा है नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया है बेटा, टाइम तक क्लियर कर दिया है कि नोटिफिकेशन जो ओपन होने वाली है वो 5 July 2023 से ओपन हो चुकी है दोपहर 3 बजे से, और ये बंद होगी 3 अगस्त को दोपहर 3 बजे। 1500 hours का मतलब 3 बज के दोपहर में, जिसे हम अब जनरल भाषा में क्या कहते हैं, 3 PM कहते हैं, फौज में 1500 hours कहा जाता है उसको। तो ये दो चीजें हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो फॉर्म आ चुका है, गो फॉर इट, फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है, वो है आपकी प्रिपरेशन। अगर आपको सेना में लेफ्टिनेंट बनना है तो क्या करना होगा, अगर आपको सेना में लेफ्टिनेंट बनना है तो आपको तैयारी बेहतर करनी होगी, और बेहतर तैयारी करेंगे तो ही आप SSB को क्लियर कर सकते बेटा, वरना SSB में लोग जाते हैं और यूं ही लौट करके वापस आ जाते हैं। तो सभी डिफेंस एस्पिरेंट कहीं भी रहें, खूब मेहनत करें और SSB में इतनी मेहनत करें कि शायद आपको वहां से पलट करके देखना ना पड़े। ये मैं सभी को एक जो है सुझाव देता हूं, एक सलाह देता हूं, इतनी मेहनत SSB को हल्के में कतई ना लें। जनरली सामान्यतः देखा गया है कि जब बच्चों को डायरेक्ट एंट्री मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो बेटा वैल्यू करिए। एक एक SSB बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जो भी बच्चा वहां पर फेस करने जा रहा है, ठीक है, जो जाएगा सिलेक्शन सेंटर के यहां तक, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, एक SSB आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो एक SSB आपके परिवार, आपके फैमिली, आपके आने वाली जनरेशन की जो है चीजें बदल सकती है। तो बहुत कुछ बदल सकता है बेटा अगर आप जो है सेलेक्ट हो सकते हैं, तो अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो बेटा। तो हम सभी को एक सुझाव देते हैं कि SSB की तैयारी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें, ठीक है, ताकि आप जो है अपने सपनों को साकार कर पाए। क्योंकि NCC कैडेट जिन्होंने लगातार ABC 3 सर्टिफिकेट किए होते हैं, उसको सर्टिफिकेट को क्लियर करने के लिए तमाम तरीके की फिजिकल एक्सरसाइजेस, तमाम तरीके के फिजिकल टेस्ट, तमाम तरीके के रिटन टेस्ट, ठीक है ना, कैंप्स एंड ऑल, सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो आपने इतना लंबा सफर तय अगर किया हुआ है तो बेटा SSB के लिए आपको उससे दुगनी मेहनत करनी होगी, मैं इस चीज के लिए आपको एश्योर करता हूँ। और अगर आपने मेहनत कर लिया, प्रॉपर तरीके से अगर पढ़ लिया, तो डेफिनेटली आप जो है भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।